ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು आज चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर मुझे ताई चामुंडेश्वरी के आशीर्वाद लेने का अवसर मिल रहा है। मैं ताई चामुंडेश्वरी, ताई भुवनेश्वरी और ताई कावेरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले आदरणीय देवगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज भारत के राजनीति के पटल पर सबसे सीनियर मोस्ट राजनेता है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने आज जो बातें बताई काफी कुछ मैं समझ पाता था, लेकिन मैं हृदय से उनका बहुत आभारी हूं। साथियों, मैसूरु और कर्नाटका की धरती पर शक्ति का आशीर्वाद मिलना यानी पूरे कर्नाटका का आशीर्वाद मिलना, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति कर्नाटका की मेरी माताओं बहनों की उपस्थिति ये साफ बता रही है कि कर्नाटका के मन में क्या है। पूरा कर्नाटका कह रहा है फिर एक बार। साथियों, आज का दिन इस लोकसभा चुनाव और अगले 5 ईयर के लिए एक बहुत अहम दिन है। आज ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है और देवगौड़ा जी ने भी गारंटी का उल्लेख किया है। ये मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को अपना घर देने के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को अगले 5 ईयर तक फ्री राशन मिलता रहेगा। ये मोदी की गारंटी है कि 70 ईयर की आयु के ऊपर के हर सीनियर सिटीजन को आयुष्मान योजना के तहत फ्री चिकित्सा मिलेगी। ये मोदी की गारंटी है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। ये गारंटी कर्नाटका के हर व्यक्ति का, हर गरीब का जीवन बेहतर बनाएगी। साथियों, आज जब हम
10 ईयर्स पहले के समय को याद करते हैं तो हमें लगता है कि हम कितना आगे आए हैं। डिजिटल इंडिया ने हमारे जीवन को तेजी से बदला है। बीजेपी का संकल्प पत्र अब भविष्य के और बड़े परिवर्तनों की तस्वीर है। ये नए भारत की तस्वीर है। पहले भारत खस्ता हाल सड़कों के लिए जाना जाता था, अब एक्सप्रेसवेज भारत की पहचान है। आने वाले समय में भारत एक्सप्रेसवेज, वाटरवेज और एयरवेज के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क के निर्माण से विश्व को हैरान करेगा। 10 साल पहले भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों की ओर देखता था। आज भारत चंद्रयान भी भेज रहा है और सेमीकंडक्टर भी बनाने जा रहा है। अब भारत विश्व का बड़ा इनोवेशन हब बनकर उभरेगा, यानी हम पूरे विश्व के लिए सस्ती मेडिसिन, सस्ती टेक्नोलॉजी और सस्ती गाड़ियां बनाएंगे। भारत वर्ल्ड का रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D हब बनेगा और इसमें वैज्ञानिक रिसर्च के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के फंड की भी बड़ी भूमिका होगी। कर्नाटका देश का IT और टेक्नोलॉजी हब है। यहां के युवाओं को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, हमने संकल्प पत्र में स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने की बात कही है। हमारी कन्नड़ा देश की इतनी समृद्ध भाषा है, बीजेपी के इस मिशन से कन्नड़ा का विस्तार होगा और उसे बड़ी पहचान मिलेगी। साथ ही हमने विरासत के विकास की गारंटी भी दी है। हमारे कर्नाटका के मैसूरु, हम्पी और बादामी जैसी जो हेरिटेज साइट्स हैं, हम उनको वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर प्रमोट करेंगे। इससे कर्नाटका में टूरिज्म और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथियों, इन सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भाजपा जरूरी है, NDA जरूरी है। NDA जो कहता है वो करके दिखाता है। आर्टिकल 370 हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, महिलाओं के लिए आरक्षण हो या राम मंदिर का भव्य निर्माण, भाजपा का संकल्प
मोदी की गारंटी होता है और मोदी की गारंटी को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिलती है? सबसे बड़ी ताकत आपके एक वोट से मिलती है। आपका हर वोट मोदी की ताकत बढ़ाता है। आपका हर एक वोट मोदी की ऊर्जा बढ़ाता है। साथियों, कर्नाटक में तो एनडीए के पास एचडी देवेगौड़ा जी जैसे वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन है। हमारे पास येदियुरप्पा जी जैसे समर्पित और अनुभवी नेता है। हमें एचडी कुमार स्वामी जी का सक्रिय सहयोग है। इनका ये अनुभव कर्नाटक के विकास के लिए बहुत काम आएगा। साथियों, कर्नाटक उस महान परंपरा का वाहक है जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करना सिखाता है। यहां सुत्तूर मठ के संतों की परंपरा है। राष्ट्र कवि कुवेंपु के एकता के स्वर है। फील्ड मार्शल करियप्पा का गौरव है और मैसूर के राजा कृष्णराज वाड़िय के द्वारा किए गए विकास कार्य आज भी देश के लिए एक प्रेरणा है। ये वो धरती है जहां कोड़गो की माताएं अपने बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए सेना में भेजने के सपना देखती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर का दूसरे राज्यों से क्या संबंध, और अब तो कांग्रेस देश से घृणा की सारी परंपरा सीमाएं पार कर चुकी है। कर्नाटक की जनता साक्षी है कि जो भारत के खिलाफ बोलता है कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। और आपने हाल में एक और दृश्य देखा होगा, कांग्रेस की चुनावी रैली में एक व्यक्ति ने भारत माता की जय के नारे लगवाए। इसके लिए उसे मंच पर बैठे नेताओं से परमिशन लेनी पड़ी। क्या भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़े?
क्या ऐसी कांग्रेस को देश माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को कर्नाटक माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को मैसूरी माफ करेगा? पहले वंदे मातरम का विरोध और अब भारत माता की जय कहने तक से जीड़, ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए आग का खेल खेल रही है। आज आप देश की दिशा देखिए और कांग्रेस की भाषा देखिए। आज विश्व में भारत का कद और सम्मान बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दुनिया में भारत का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का गौरव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर भारतीय को दुनिया गर्व से देखती है कि नहीं देखती है? तो कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर देश को नीचा दिखाने के कोई मौके छोड़ते नहीं है। देश अपने दुश्मनों को अब मुंह तोड़ जवाब देता है। तो कांग्रेस सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है। आतंकी गतिविधियों में शामिल जिस संगठन पर बैन लगता है, कांग्रेस उसी के पॉलिटिकल विंग के साथ काम कर रहा है। कर्नाटक में तुष्टीकरण का खुला खेल चल रहा है। पर्व त्योहारों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। धार्मिक झंडे उतरवाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या वोट बैंक का यही खेल खेलने वालों के हाथ में देश की बागडोर दी जा सकती है? दी जा सकती है? साथियों, हमारा मैसूर तो कर्नाटक की कल्चरल कैपिटल है। मैसूर का दशहरा तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 22 जनवरी को अयोध्या में 500 ईयर्स का सपना पूरा हुआ। पूरा देश इस अवसर पर एक हो गया। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, उनके साथी दलों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे पवित्र समारोह तक पर विश्वमन किया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। जितना हो सका इन्होंने हमारी आस्था का अपमान किया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट कर दिया। इंडिया अलायंस के लोग सनातन को समाप्त करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। लेकिन जब तक मोदी है, जब तक मोदी के साथ आपके आशीर्वाद है, ये नफरती ताकतें
कभी भी सफल नहीं होगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव अगले 5 ईयर्स नहीं बल्कि 2047 के विकसित भारत का भविष्य तय करेगा। इसलिए मोदी देश के विकास के लिए अपना हर पल लगा रहा है, पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम, 24/7 फॉर 2047। मेरा 10 ईयर्स का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने है। मैं कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, 4,50,000 गरीब परिवारों को कर्नाटका में पीएम आवास मिले हैं, 1,50,00,000 से ज्यादा गरीबों को मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है, नेशनल हाईवे के नेटवर्क का भी यहां बड़ा विस्तार किया गया है। मैसूरु से बेंगलुरु के बीच एक्सप्रेसवे ने इस क्षेत्र को नई गति दी है। आज देश के साथ साथ कर्नाटका में भी वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत 1,000 से अधिक गांवों में लोगों को नल से जल मिलने लगा है। ये नतीजे बताते हैं कि अगर नीयत सही तो नतीजे भी सही। आने वाले 5 ईयर्स में विकास के काम, गरीब कल्याण की योजनाएं 100% लोगों तक पहुंचेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी ने अपने 10 ईयर्स का हिसाब देना अपना कर्तव्य माना। क्या आपने कभी कांग्रेस को उसके 60 ईयर्स का हिसाब देते देखा है? नहीं ना। क्योंकि कांग्रेस केवल समस्या पैदा करना जानती है, कांग्रेस धोखा देना जानती है। कर्नाटका के लोग इसी पीड़ा में फंसे हुए हैं। कर्नाटका कांग्रेस पार्टी की लूट का एटीएम स्टेट बन चुका है। खाली लूट के कारण सरकारी खजाना खाली हो चुका है। विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया जा रहा है। वादा किसानों को मुफ्त बिजली का था, लेकिन किसानों को पंप सेट चलाने तक की बिजली नहीं मिल रही। युवाओं की, छात्रों की स्कॉलरशिप तक में कटौती हो रही है। किसानों को किसान सम्मान निधि में
राज्य सरकार की ओर से मिल रही 4000 रुपए बंद कर दिए गए हैं। देश का आईटी हब बेंगलुरु पानी के घनघोर संकट से जूझ रहा है, पानी के टैंकर की कालाबाजारी हो रही है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज ब्लैक मनी कर्नाटका से देश भर में भेजा जा रहा है। ये कांग्रेस शासन का मॉडल है। जो अपराध इन्होंने कर्नाटका के साथ किया है इसकी सजा उन्हें 26 अप्रैल को देनी है, 26 अप्रैल को देनी है। साथियों, मैं शुरू से एनडीए के उम्मीदवार श्री यदवीर कृष्णादत्त यमराज वाडियर चामराजनगर से श्री एस बालाराज, हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रमन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी, आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। मैसूरू की धरती से मेरी आप सभी से एक और अपील है। मेरा एक काम करोगे, जरा हाथ पर बता करके बताइए, करोगे? कर्नाटका के घर घर जाना, हर किसी को मिलना और मोदी जी का प्रणाम पहुंचा देना। पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।